ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਰੇ ਤੋ ਮਿਲਸੀ ਰਾਮ ਪੀ ਗੋਢੀਆਂ ਰਾ ਕਲੰਕ ਝੜਾਵੇ ਤੋ ਸਾਜਾ ਕਰੇ ਸਰੀ ਤੋ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਸਾਮਾ ਆਵਦੋ ਕਲਯੁਗ ਬੇਤ ਕਰੂ ਅਰਜ ਕਰੂ ਅਜਮਾਲ ਰਾਹੇ ਸਾਮਣ ਜੋ ਜ਼ਰੂ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਪਿਛ ਮੈਂ ਧਾਰਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਪੀਰ ਜੀ ਪਧਾਰਿਆ ਘਰ ਅਜਮਲ ਅਵਤਾਰੀ ਜੀ ਲਾਚਾਨ ਸੁਗਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਧਾਰੀ ਆਰਤੀ ਹਰਦੀ ਬਾਟੀ ਚਮਰ ਡੋਲਾਵੇ ਦਿਓ ਖਮਾ ਖਮਾ ਖਮਾਰੇ ਕੰਵਰ ਅਜਮਾਲ ਬੋਲੋ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਹਾਂ ਤੋ ਭਾਈਓ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਸੁਣੋ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰੀ ਕਥਾ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉ ਹੂੰ। वह कथा है बाबा रामदेव जी महाराज री समाधि। दुनिया में कायम कदी कोई नहीं रहो, चाहे ईश्वर है चाहे साधु है चाहे संत है, जो भी धरती रे माथे जन्म लियो है उन्नी मौत तो जरूर होया करे। पर मौत केड़ी, एक मौत तो एड़ी के सफा कानों में सड़सड़ मरे इंजेक्शन लगवा लुगा ने, और एक मौत एड़ी होया करे है कि देखते देखते प्राण निकल जाए। पर राम और कृष्ण री मौत नहीं हुई, और ना वारो कठी कोई आश्रम बनियोड़ो है या मरगट घाट बनियोड़ो है। इन्हीं प्रकार सु रामदेव जी महाराज री भी मौत मौत सु नहीं हुई, स्वयं प्रभु अपनी इच्छा सु देह त्यागन करी। जी की सुनो, रामदेव जी महाराज 40 वर्ष तक इन दुनिया रे में रहया और लोगों ने बहुत कार्य किया, लोगों ने सुखी किया, देश भक्त लोगों ने बनाया, ज्ञानी बनाया। अब रामदेव जी महाराज विचार कियो कि अब समाधि ले लेनी चाहिए, दुनिया ने छोड़नी चाहिए। और विचार कर राम सरोवर तलाव माथे ढोली ने बुलाया, ढोल बजवायो और नगाड़ा बाजन लागा, और गांव रा लोग सब बेड़ा हुआ। तो रामदेव जी महाराज ने यूं कहन लागा, अरे सुनो महारा भाईड़ा, अरे मैं ले रे समाधि थे मारे तो कहोड़े माथे चाल दो दियो खम्मा 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 रे कंवरी अजमाल रा जी महाराज की जय। सुनो मारा भाया, मैं अब समाधि ले हूं, थे मारे कहे माते चाल जो। समाधि रो नाम सुनते ही पिता अजमाल जी री आंखियों में आंसू आ गया, माता मैणा दे रोण लागा और कहन लागा, बेटा मरना दिन तो मारा है, मैं बूढ़ा हूं और थे माने छोड़ने जाओ हो, मारे कई हाल वेला। बेटा आंसू बहाउन लागा, बहुत रोन लागा। तो रामदेव जी महाराज यूं कहन लागा, चार दिनों रे जीवन खातिरी कितना मोह बढ़ायो, आज बिछड़ने जानो पड़सी ते माफ करी दो भायो। आज बिछड़ने जावनो पड़ेगा, क्यों जिको दुनिया में आयो है उन्हें जावनो पड़ेगा। माता पिता रो मत, आंसू मत बहो, मारे मैं मर नहीं रहे हूं, मैं तो मारे धाम ने जा रही हूं, जठ हूं आयो हूं।
मां कहने लगी कठों आया हो? तो रामदेव जी महाराज, मारे हृदय में आप रो असली रूप दिखावे है। माता रे हृदय रे मोह कहीं देखियो कि बाल रूप भगवान श्री कृष्ण अजमाल जी ने वरदान दियो थो द्वारकापुरी रे मैं, वे कहो कि देखो मैं थाने वरदान दियो थो, वचन पूरा हुआ और मैं थारो बेटो नहीं हूं, मैं संसार रो जगत पति हूं, सर्वम खलविदम आदि मद अंत रहित भगवान हूं, किन्ने थू थारो बेटो के ने आंसूड़ा ढड़कावे। माता हाथ जोड़ कहन लागी बाप जी मारी भूल हुई। अजमाल जी भी कहन लागा प्रभु आप पधारो। और ढोल नगारा गहरा बाजन लागा। रोवतड़ी बिलखती और नेतल दे आई और छोड़ पधारो आप मले, रो रो बात सुना आप मने बिलकती रोती छोड़ने मत पधारो, मारो कहीं वेला, आप मारा प्रीतम हो मारा पति हो, पति रे बिना स्त्री रे वास्ते सारो संसार सुनो है। यो कर रोता रोता रानी जी पगा में पड़ गया। रामदेव जी कहो देवी उठ, आंसू पूछ ले, आज थने एक ज्ञानरी बात में कदे ही नहीं बताई जी की बताऊं। थू पूर्व जन्मरी कृष्णा अवतार में तू रुक्मणी होती और रामा अवतार में तू सीता होती, हमेशा एक दूजा में हर युग में अवतार लिया करो, क्योंकि मैं खुद गीता में कहे हूं धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे, इन युगरो अनोखो अवतार मारो है, आप मारे साथे नहीं आलोला, आप जियोला, थारा दो बेटा है साधो देवराज, इन दोनों बालकों ने पढ़ाए लिखाए क्षत्रिय धर्म सिखाए जन सेवा सिखाए और मोटा कर देला, उन दिन थारी आत्मा स्वयं मारे माए आए मिल जावेला। रानी जी ने ज्ञान दियो, रानी जी भी अब रोनो बंद कर दी और अठी ने ढोल नगारोरी आवाज सुनी, रामदेव जी री ये परम भक्त जिन्ना नाम हो डाली बाई जातरी मेघवाड़ी रूणी छे गांव सु 8 मील दूर रहती ही, उठे वा आवाज सुन और डाली बाई रस्ते बेते आदमी ने पूछियो, अरे मार गिए धब तोड़ा वीरा रे वीरा, मार गिए धब तोड़ा वीरा कठिने हुआ आयो, अरुणी छे में बाजा की कृपा दे दियो, खम्मा खम्मा मारे कंवरी अजमाल राम, मार्ग जाओ तोड़ा बीड़ा कठू आयो, ए रुणीछे में बाजा की कर बाजे है, मार्ग बे तो आदमी कहन लागो भाई इन कारण में रुणीछे छोड़ने मारे दूजी जगह जाऊं। बोले क्यों कई कारण हो गयो? के रुणीछे रा राजा राजाजी ओ रणु जरा राजा बाई वेरे समाधि, अरे ढोल ने नगारा गेरा बाजे दियो, खम्मा 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 रे कंवरी अधुमालरा, छेरा राजा समाधि ले रिया है इन कारण माहू देखी जियो कोनी, मैं तो उन जगह ने छोड़ने आ गयो हूं। रामदेव जी समाधि ले भाई, रामदेव जी दुनिया छोड़ने माने छोड़ने जावे है। डाली बाई मन में विचार करण लागी, जदे बाबो रामदेव जी महाराज जी जावे है तो पछे मारो कहीं इन दुनिया रे माए, किन्ने सहारे जीवला में यूं ही लोग गणी छुआछूत मासू करे है। रामदेव जी री भक्ति करन लागी जो तो गांव वाला मने गांव सु बारे काढ़ी और मैं अठे आने रही, और अब रामदेव जी री ग्यों बाद मारो धनी धोरी कौन वेला,
इन कारण मैं भी बाप जी रामदेव जी से जाने मिलू और मैं भी समाधि ले लू, प्रभु रे साथे रे साथे समाप्त हो जाऊं। ये तो कहने बाद डाली बाई जो गांव रे मैं सुटोगड़िया आदि ले चराया करती थी गायरा बछड़ो ने कहवे है टोगड़िया बीरा बीरा रे दी टोगड़िया रे बीरा महारा गुरा पीरोरी सौगंध है थे सांझ पड़े घरे जा दो दियो खम्मा 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 रे कंवरी गड़िया बीरा गुरो पीरो री सौगंधे सिंधिया पड़ते सीधा खरे दे जो भटक जो मती नी तो मरिया बाद भी लोग मने ओड़पो देला। कैसा कैसा मनुष्य दुनिया में हुआ, कितनी ईमानदारी है यहाँ रे मैं के मरिया बाद भी लोग मने कोई खोटो नी के इनवा थे गायरा बछड़ो ने प्रभु रे भरोसे वहां री सौगंध राय और डाली बाई उठो बहिरुआ है राम सरोवर तालाब री पाल रे माथे मेड़ो मच्छियो है कई लोग उबा है उन दा सबरी आंखियों में आंसू है उनमें भी एक डाली बाई भी गई। डाली बाई जात्री मेघवाली थी तालाब में मेघवाल ने जाड़नो हुक्म नहीं थो उन दिन रे मैं पर डाली बाई तो सीधी दौड़ती जाए रामदेव जी रा पग पकड़ लिया पग पकड़ने कहण लागी अरे मैनू गैरी ने मारो सुगरो सांवरियो मैं तो अवगुणकारी हूं पर नुगरी तो नहीं हूं और थे मने छोड़ दे कठे जाओ हो दिन रात थारी याद सतावेला जो लकड़ी में लागो घुण रे सांवरिया मारा लागो गुण रे तारण वालो मारो राम धनी रे तारण वालो मारो राम धनी रे मारण वालो गुण रे सावरिया सांवरा औगणकारी री सुन मने नुगरी जान छटकाओ मत बाप जी। रामदेव जी कहो डाली बाई तू कई कहनी चावे दिकी बात बता। डाली बाई कहो मैं समाधि आप रे साथे लूंगा और गांवरा जिता धर्मरा ठेकेदार उबाह मोटे मोटे तिलक वाला और भी वे कहन लागा पहली बात तो मेघ वाली तालाब रे मैं क्यों आई तालाब है भ्रष्ट हो गयो और पछे आ के रामदेव जी रे साथे समाधि लू। रामदेव जी कहो बिल्कुल ठीक है डाली भाई तुम्हारे साथे समाधि क्यों लेला जबकि मारी परणियोड़ी लुगई समाधि को लेनी तो थने का अधिकार है। डाली भाई बोली बाप जी रानी जी साधिक है वे तो आपरे टाबरों रा माँ है
मैं तो आप चरणों री धूल हूं, आप ईश्वरों में भक्ति हूं, क्यों भूलो हो आप? रामा अवतारी में भीलनी जिन्ना अथे बोर खाया था, कृष्णा अवतारी में कुबजा हूं जिन्नो चंदन थे माथे लगवायो थो। गांवरा लोके हं देखो केड़ी बाता करे पंडित जड़ी। डाली बाई हाथ जोड़ने के भाया रे, मैं तो पंडित नहीं हूं, थारे चरणारी सबरी धूल हूं, पर एक बात मैं कहनी चाहूं बाबा रामदेव जी ने, वा थे सुनो। अरे महारी रे समाधि दाता किन विधि खो दी, मन साचो साचो भेद बतावो दियो, खम्मा 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 रे कंवर अधमाल रा। हे प्रभु, आ मारी समाधि थे किन प्रकार खोदी, मने साची बात बताओ, आ जगह तो मारी है, और भगवान आज रो नम्रो दिन है, भादरवा सुदी नम आ भी मारी है, इन दिन समाधि मने लेवनी चाहिए। रामदेव जी कहो डाली भाई, इनो कई प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आ समाधि थारी है। डाली भाई बोली बाप जी प्रमाण बताऊं कि हां के आठी ने डोरा धनिया कांगसी तो निकले कांगसड़ी, मरी कांगसड़ी रे लो बाप जी। आठी ने डोरा कांगसी तो निकले थे मारी रे समाधि जान दो दियो, आठी ने भाई भगवान ने कहे है कि आठी और डोरा कांगसी अगर निकले तो आ समाधि प्रभु थे मारी जान दो। रामदेव जी कहो तो पछे मारी समाधि कौन सी जगह है? डाली भाई एक जगह रे माथे साखियो मांडियो जो रामदेव जी महाराज डाली भाई री समाधि सु थोड़ो सो आगे है, और कहो आ जगह आपरी है प्रभु। रामदेव जी कहो जगह तो है पर इनमें निशान कहीं निकलेला। डाली भाई जी यूं कहण लागा, पाट पीतांबर धनिया खड़ाऊ जो निकले पाट पीतांबर, खड़ाऊ निकले थारी समाधि दान दी। श्री रामदेव जी महाराज की जय। डाली भाई बोली बाप जी आप री समाधि में खड़ाऊ पाट और पीतांबर निकलेला, असंग जुगोरा आपरा ए ऐलान निशान आज भी मौजूद है, मारा भी मौजूद है। रामदेव जी कहो बेलदारों ने बुलाने, सुनो भाई बेलदारों थे मारी समाधि खोदो। बेलदार समाधि खोदन लागा, डाली भाई री समाधि साथे खुदी, वो भी साथे खुदी, दोयों में देखे डाली भाई बताया वो सारा सैलान निकलिया। गांव रा लोगों रो बाको फाट गयो, केवन लागा रे जात्री तो आ मेघ वाली,
पर जिकी भविष्यवाणी की जमीन रे मैली चीज आ बता दी, जरूर आ शक्ति है देवी है। सब अब गांव रा लोग जय जयकार करण लागा और केवण लागा, और केवण लागा जय हो। पर ढाली भाई एक बात बताओ, बाबा बोले रामदेव जी थने कई ठाईनी अड़ी चिजोरी मन साचर साचो भेदड़ लो बतावो जियो खम्मा 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 रे कवरी अजमाला जी महाराज की। तो डाली भाई ने रामदेव जी महाराज पूछन लगा, डाली भाई एक बात तो बताओ, ए पुरानी चीजों रो थने कई ठा पड़ियो कि धरती रे गड्योड़ी एडी कई भक्ति करी। डाली भाई हसने कहो, प्रभु मैं हमेशा जो कुछ भी ज्ञान लियो हूं आप सुन लियो हूं, और अब मैं समाधि लूंगा। रामदेव जी कहो, समाधि लेवनो कोई खेल नहीं है डाली भाई, जिन टाइम खाडे में बैठोड़ा ऊपर सु मट्टी पड़ेला प्राण पंखेरू घबरावला निकल बारे निकल न भाग जावेला। डाली भाई हसने के, वाह बाबा जो भी सरोदय ज्ञानी है वो कदे ही मौत सु नहीं डरिया करे, और अब समय भी तो आ गयो नहीं। आप मने सरोदय ज्ञान सिखायो, आप मने समाधि ज्ञान सिखायो, आप मने कौन सी एड़ी चीज बाकी संसारी जी की नहीं सिखाई, प्रभु सभी तो आप मने सिखाई, तो पछे मैं समाधि नहीं ले सकूं। आप पूछियो के समान की कर बतायो, तो सुनो हर कलयुग रे मैं थे रामदेव जी वो और मैं डाली भाई हूं, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग, इन कलयुग रा मैं जिकी समाधि रो समान है, आठी डोरा कांगसी ए अठी दे जाला और शरीर हंसलो गायब हो जाला, आप रोन मारो दुयो रही, पर ए निशान अगले आउन वाले कल जुग तक रहला। आज कोई या नवी बात तो है कोनी। बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय। अब डाली बाई ने रामदेव जी महाराज कहो, अरे धन धन डाली बाई ले वो रे समाधि, धन धन डाली बाई ले वो रे समाधि, अरे राम दे धनी तो यूं बोले दियो खम्मा 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 रे कंवर अधुमान रा जी महाराज की जय। डाली भाई समाधि लो। अब नम्र दिन रामदेव जी महाराज डाली भाई मेघवाली ने उन समाधि रे माए बैठा है और फूल चढ़ाया, अबीर गुलाल किंकू नाखिया, और पछे रामदेव जी महाराज स्वयं आप रे हाथ सु मट्टी देवनी शुरू करी और मट्टी दे समाधि ने बंद करने कहो, धन धन डाली भाई जुग में अरे राजा रामा राजा थले पूजे दियो खम्मा 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 वो कंवरी अजमालरा
आवेला दात अरे डाली बजे फूल चढ़ासी दियो खम्मा 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 वो कंवर तुमालरा धन्य डाली भाई आपने राजा महाराजा आही थारी पूजा करी और भादरवे महीने में मेलो भरी जेला उन मेले में मान खेरी झड़ी लग जावेला जो को महारी पूजा कर थारे मंदिर दर्शन नहीं करेला पूजेला नहीं उन्हीं यात्रा सफल नहीं मानी जेला। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। जनो कवि लिखियो कि नम्रा तो निधर रूपिया दस मरो जम्मो जागो भजन में कयो है रंग लागो महाराज देवरे रंग ला नम्रा निजा रूपिया दसमरो जम्मो जागो। अब रामदेव जी महाराज स्वयं समाधि की तैयारी करे नम्र दिन डाली बाई ने समाधि दे रही और 11 दशम वाले दिन रामदेव जी स्वयं बैठ परा और सबने ज्ञान सिखायो और उच्च कोटिरो ज्ञान देने बाद में अब वो दिन आयो 11 दिन रामदेव जी आप रे भाई बंधुओं ने भेड़ा करने कहो मारे कहने रे माथे हाल जो ये सुनो महारा भाईड़ा लेऊं रे समाधि अरे समाधि में बाप जी की राजा जियो खम्मा 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 रे कंवरी अधमालरा समाधि में धनी जय बाबारी जय बाबारी जय बाबारी पड़िया बिछड़ो मती सुगना बैरा भी वक्त पड़िया बिछड़ा मती ते सुगना बैरा पीर बेड़ो पार लगावो
भगत पुकारे थने तो थे बेगा बेगा आओ। बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की जय। भाइयों रामदेव जी महाराज समाधि ली, समाधि लेवण रे बाद में पूरे गांव री कई हालत हुई जेकी सुनो। के राम सरोवर रोरे पानी डोरे सूक गयो अर सू क्या जंगल झाड़ जियो खमा खमा खम्मा रे कंवर रामदेव जी महाराज रे समाधि लिया रे बाद में गांव रा लोग घड़ाई दुखी हुआ। टावर छोटा छोटा रोन लागा, बाप जी रामदेव जी नहीं तो कहीं आराम है माने, माता पिता ने दुख होना तो स्वाभाविक ही हो। रानी जी भी बहुत रोया, अठे तक के पशु और पक्षी भी उठे बिलाप करने लागा, रोन लागा। इन तरह सु एक दिन बीतो, दो दिन बीता, तीन दिन बीता, तीसरे दिन रो जो कार्यक्रम तीसरो करिया करे उन्नी तंवर वारा वंशज जीते है वे करण लागा। उन टेम कई वेद की सुनो, अठिने तीसरे दिन की तैयारी करे है और उठने रामदेव जी महाराज रा मासीरा बेटा भाई, मासीरा बेटा भाई हड़बू जी वह विचार करियो कि मारे खने हुनावनी आई है कि रामदेव जी महाराज समाधि ले ली, आ हो नहीं सके। मने कहो थो बाबा करो लजुहारड़ा, अरे पच्चे में तो स्वर्ग सीधा वाला दियो खम्मा 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 रे कंवरिया धुमालरा। महाराज की जय। मने कहो थो प्रभु तो कहीं मारे बिगर कया ही न, बिना हाथ मिलाया जवारड़ा किया बाप जी मने छोड़ने गया परा, आ बात समझ में नहीं आवे मारे। तो हड़बू जी रे घर सु कहो ठकराणी जी
कि आप पधारो रूणी छे जान खुद पतो लगा ना हो के कई बात है। मैं भी उड़ती खबरी सुनिए कि रामदेव जी समाधि ले ली, बाप जी पर्दे हो गया है। तब हड़बू जी महाराज घोड़े माते चढ़ उठो बही रुआ है और मन सुगन चोखा होने लगा, क्योंकि मैं मारवाड़ी राजस्थानी लोग सुगन ने बहुत मानिया करा और सुगन स्वीकारा कर सिद्ध होया करे। तो हड़बू जी महाराज ने सुगन चोखा हुआ तो हड़बू जी कहन लगा, अरे इनरे सुगना हूं भले पीर जी मिलेला, अरे सुगन सातरा हो या जियो, खम्मा 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 रे कंवर जुमालरा। रामदेव जी महाराज की जय। हड़बू जी महाराज कहे इन सुगना हूं मने रामदेव जी महाराज मिलेला। और थोड़ा आगे चालिया तो बाबा रामदेव जी महाराज प्रगट हुआ, पाचा समाधि लिया रे बाद तीसरे दिन पाचा प्रगट हुआ और हड़बू जी ने दर्शन दिया। हड़बू जी रामदेव जी ने देखता ही मन में विचार करे है, अरे ए तो प्रभु मारे स्वामी जी उबा है। तो हड़बू जी जाए नमस्कार करी है और कहो बाप जी, अरे बाट बटाऊ भले खोटी बात बोली, अरे पीर दी समाधि ने राजा दियो, खम्मा 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 रे कंवरी अजमालरा। ओ पीर दी समाधि ले ली है माले सुनावे दियो, खम्मा 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 रे कंवरी अजमालरा। हाँ माने तो कहो कि पीर जी समाधि ले ली, आप मने अठे मिलिया हो प्रभु, आप तो घटघटरा वासियों पर बताओ आप बात कही है। रामदेव जी हसने कहो भी हड़बू वचन निभाने वास्ते कई काम करना पड़े है, ले खैर कोई बात नहीं बैठा। तब कहे है कि घोड़े री झूल उतारी, अरे घोड़े री झूल माथे हड़बू ने बैठाया, अरे बाप जी तो खन्ने ही बिरा जा दियो, खम्मा 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 वो कंवरी अजमालरा। हड़बू जी ने बैठा है, रामदेव जी महाराज खन्ने बैठिया। पछे अमलोरी मनवार विधि हुई कि राजस्थान रो जो भी वातावरण है उठारी जो संस्कृति है उन्नो पालन करे, चाहे देवता हो और चाहे भगवान स्वयं हो, जिन देश रा जो काम है वो तो करना ही पड़े है, रीत ने करनी पड़े। और बाबा रामदेव जी विदा कसुम्बा गालिया और एक भाई दूजो भाई मनवारों करी। उनने बाद रे मैं रामदेव जी महाराज अब हड़बू जी ने कहवे है, हालो हालो हड़बू जी थे गांव पधारो, अरे मैं लीले ने चराए घरे आवो दियो, हालो हालो हड़बू पीरा गांव ने सीधा। Oh, oh, oh.
हालो हड़बू जी थे गांव पधारो, मैं थोड़ो लीलो घोड़ो भूखो है इन चराए और पछे आऊं। इतनी बात सुनने ने बाद रामदेव जी महाराज पाछो बड़े कहो के रतन कटोरो माता मेणा देने दी दो। अरे भाईड़ो ने रामा समा बोल दो जियो, रतन कटोरो माता मेणा देने दी दो। अरे भाईड़ो ने रामा समा के दो दी, खमा खमा खम्मा रे कंवरी अजमाल रा। हड़बू जी भाईड़ो ने रामा सामा कही दो और रतन कटोरो मारी माता मेणा देने दीजो। हड़बू जी कहो कि बाप जी पछा आप, बोले मैं आऊं थोड़ी देर ने लीले घोड़े ने चराए ने, पर हाँ एक बात और करो हड़बू जी, थोड़ी देर अपने घोड़ो ने दौड़ाओ, थारो घोड़ो कमजोर है या मारो कमजोर है इनो निर्णय भी हो जाला। तो आपे दो ही भाई हाथ पकड़ना एक दूसरे घोड़े माते चढ़ जाओ। रामदेव जी आपरे घोड़े माते चढ़िया, हड़बू जी आपरे घोड़े माते चढ़िया और दो ही भाई हाथ से हाथ मिलायो है और अब घोड़ो ने दौड़ावना शुरू किया है। दौड़ते दौड़ते बाबा रामदेव जी रो घोड़ो लीलो आगे निकल गयो और हाथ छूट गयो। तो रामदेव जी कहे हड़बू जी अब जवारड़ा है। आप लोग समझिया, यानी रामदेव जी वचन दियो थो हड़बू जी ने कि मैं जवारड़ा कर पछे स्वर्ग जाऊंगा। तो जवारड़ा करण नो मौको बाबा रामदेव जी ने नहीं मिलियो, इन वास्ते पाचा प्रगट हुआ और प्रगट होय और जवारड़ा किया। जनो कहो है रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो बचन अगर देवता आपरा गमा देवे तो फिर उन्होंने देवता कौन कहवे। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। अब हड़बू जी महाराज रूणी छे गया, बाबा रामदेव जी महाराज रे तीसरे जी तैयारी करे है। लोग माथे धोला पोतियों री जगह अंगोछिया बांधीवड़ा बैठा है, दाढ़ियों मुंडी जीवड़ी है, यो ने सब इन गति रे मोए देख और हड़बू जी कहण लागा अरे महारे सू कपट थे किन विधि की दो, मने अंधा ताजी बने मगे मिलिया कपट क्यों राखियो थे। मने रामदेव जी महाराज वन में मिलिया द्वारकारानाथ और थे केवो कि वे समाधि ले ली, अर्थे जीवते आदमी रो तीसरो करो शर्म आवनी चाहिए। तो सामला बोलिया हड़बू जी शर्म तो आपने आवनी चाहिए, बड़ा थारा बड़ा भाई रामदेव जी महाराज समाधि ले ली और थे केसरिया कसुंबल कपड़ा पहरियोड़ा आया हो, थाने जरो सोचनो हो। हड़बू जी कहो भाया थे मारे माते वो लालचन लगा रिया हो। सुनो रतन कटोरो माता मेणा देन दीनो रे दीनो, रतन कटोरो माता मेणा देन दीनो। अरे भाई ढोले रमा समा बोलिया दियो, रतन ले कटोरो माता मेणा देन दीनो।
મારી કારા ના થેલો સાંભળો દિયો ખમ્મા 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 વો કવરી અજમાન રામ રતન કટોરો માતા મેણા દેને દિયો ઓર ભાયા ને રામા સમા કયો બીરમદેવ જી ને ઓ સોહન છૂટ્યો દિયો એ સારી ચીજા જિન ટાઈમ તવરો ને ઝિલાઈ સાંકળા રાજપૂત અડબુજી ઉન ટાઈમ ઓર માથેરી કુછ તાંતરિયા તડકી મન મેં વિચાર કર્યો અરે એ સારી ચીજો તો સમાધિ રે માય મેલી બારે કી કરાઈ ઉનને અલાવા ભી હડબુજી મને ઝૂટા સમજેલા કઈ કરનો ચી દે હડબુજી કહ્યો એ ચીજો મને દી તો તમરો પાછો કહ્યો કે અચ્છી બાત હે મને ઝૂટા સાબિત કરના ચાહો તો ભલે સમાધિ ને પાછી ખોદ ને દેખ લો ક્યોકે બાબો ખુદ રામદેવજી મહારાજ આ લીલા કરણી ચાવતા આ લીલા નહીં કરતા તો પીડી પીડી પીર કઠું લાવતા ક્યોકે વચન દિયો તો કે એ ભાયા થે મારી સમાધિ મત ખોદો નહીં ખોદોલા થોરે પીડી પીડી પીર વેલા બાબા રામદેવજી દેખ્યો કે હર પીડી પીડી મેં કિકર જાઉંલા એને માથે આ લીલા માયા રે રૂપી બાબા રામદેવજી સ્વયં હિ કરી અબ ખોદતી ખોદતી ભાઈ સમાધિ ને ખોદી તો ફૂલોની ખુશ્બુ આવી પર રામદેવજી નો શરીર કોની મળ્યો ખોદતી ખોદતી સમાધિ ને ખોદી અરે ફૂલો વાળી ખુશ્બુ આવી ગયો ખમ્મા 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 રે કંવરી અધમાલ રામ દુખિયારા દુઃખ મિટાવણ વાળા બાવા રામદેવજી કઈ લીલા કરે કે જિન ટાઈમ ઉન સમાધિ ને ખોદી હે ખોદતે ખોદતે કાફી ઊંડા ગયા પરા પર રામદેવજી રો શરીર બીજો કઈ નહીં મળ્યો ઓર પછે તો લોક બડાઈ પસ્તાયા કે બાવા રામદેવજી તો મને મના કયો થો પર મેં સમાધિ પાછી ખોદ દી એ તમે એક આકાશવાણી હોઈ આકાશવાણી મેં બાવા રામદેવજી મહારાજ ફરમાયો મારી સમાધિ ક્યું ખોદી નહીં થે મારો વચન નિભાયો અબ પૂજા કરો ઈણ સમાધિ રી બાબા રામદેવ ફરમાયો રામદેવજી ફરમાયો મારા વંશજ મારા ભાઈઓ ઓર મારા પુત્ર સુણો ધ્યાન શું થે મારા વચન નહીં માન્યા અનુશાસનહીન હો ગયા હો અબ મેં થાને આશીર્વાદ દેઉં હું કે ઇન સમાધિ રીતે પૂજા કરજો ઓર ઇન સમાધિ દ્વારા હી થારો સારો કામ હોયલા ઓર ઇન સમાધિ રી પૂજા કરણ શું થને મુક્તિ પ્રાપ્ત હોયલા ઓર મારા વચન હે જાળ ઓર પાળ રે બીચ રે મેં થને કોઈ તરે રી કોઈ સજા દેવણીઓ પેદા નહીં હોયલા એ મારા વચન હે ઇન પ્રકાર કરણને બાદ વાણી મૌન હો ગઈ બાવા રામદેવજી મહારાજ ઇન પ્રકાર શું સમાધિ લી પ્રભુ પ્રગટ હો એની કારણ લોક બાવા રામદેવજીને આજ બી મને આપ જીવતે જીર સમાધિની વાત તો હોંગી આપ સમાધિ લિયા રે બાદ બાવા રામદેવજી કિને કિને પરછો દિયો દલ્લે નાવ રે વાણિયારો માથો કાઢ દિયો તો ચોરટો તબ શેઠાણી કુરળાઈ ઘબરાઈ રામદેવજીને યાદ કિયા રામદેવજી પ્રગટ હોય આર શેઠ રો જીવનદાન પાછો જીવનદાન દિયો ને ચોર ને આંધો કૂડો કર દિયો બરાંટીએ ખને આ કિસ્સો હુઓ થો બ્યાવરે ખને બરાંટીઓ ગામ ઉન જાગા આજ ભી બહુત બડો મંદિર હે ઓર લાખો યાત્રી આવે અગિયારસ દિન મેળો ભરી દે ભાદરવા સુધી અગિયારસ રો
बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। अब सुनो ताजो परसो हेंगो और पछलो बीकानेर रा दरबार श्री गंगा सिंह जी महाराज ब्रिटिश गवर्नमेंट रो राज हो उन टाइम वे जर्मनी रे सामी लड़ने वास्ते ब्रिटिश सरकार वाने मेलिया बीकानेरी फौजों ने ले दरबार गंगा सिंह जी महाराज उठे लड़ने गया तो सामे कहीं देखे अरे तोप तो लागोड़ी दिठी फसिया मोहर छे में अरे दरबार मल दे बिचार कियो खम्मा खम्मा वो कंवर अजमाल रा पर धरती में रामदेव जी महाराज की जय। राजा गंगा सिंह जी महाराज उन मोर्चे रे मैं आप एड़ा घेरिज गया चारों तरफ जर्मनी तोपों लागोड़ी और सैनिक जितना भी है बंदूर कोरा निशान लगाया उबा है। गंगा सिंह जी महाराज विचार करे है आज तो मौत आ गई शायद मारी लाश भी पाछी मारवाड़ कोनी जावेला कौन मारी अठे मदद करे। गंगा सिंह जी महाराज करणी माता ने याद की करणी रो वारो इष्ट हो करणी माता प्रगट हुई और केवन लागी इन धरती रो मालिक रामा पीर कही दे अरे रूणी छे वाले ले बुलावो दियो खम्मा 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 रे रामदेव जी महाराज की जय। हाँ भाइयों तो अब इन जगह करणी माता देश नोक में जोरो मंदिर है वे करणी माता प्रगट होने के बेटा इन जगह महाराज बस कोनी चाले क्योंकि आ धरती मारी नहीं है। हाँ है एक रक्षा करणियों वो है रामदेव जी महाराज रूणीछे वाला जो तीन लोग छवदे भवन में जोरो डंको गूंजे है और वे अठे भी थारी सहायता कर सकेला। इति बात सुनते ही दरबार बड़ा राजी हुआ करणी माता आलोप हो गया और दरबार कहवे है अरे रूणी छे आऊं ला थारा परसूं ला पा ने दरबार गंगा सिंह जी महाराज कहे है हे प्रभु अगर मैं अठूं बच गयो और जीव तो मारी पूरी मिलिट्री पाछी निकल गई तो मैं सबसे पहला आज थारा दर्शन करूंगा और उठे बहुत ही मोटो मंदिर बनाऊंगा उनने बाद बीकानेर जाऊंगा जब तक मंदिर नहीं बनेला जब तक मैं बीकानेर मुंडो तक नहीं देखूंगा ना उठारो पानी पीऊंगा। तो एकदम भयंकर तूफान आयो और तूफान आयो आंधी ऐसी जोरी आई कि काला काला बादलों रे समान धूड़ उड़ आसमान में गई और थोड़ी देर रे बाद रे में हुआ धूड़ मिट्टी आंधी मिट्टी रात जड़ी होगी थी पहले के आदमी आदमी नहीं दिखे दरबार कहीं देखियो है कि वे जर्मनी जिता भी आवरी तोपो है ऊंधी पड़ गई और सैनिक मरियोड़ा नजर आया उन जगह दरबारी जय जयकार हुई और भीकर ने दरबार उठे झंडो लहरायो और बाबा रामदेव जी जय बोली बोलो रामदेव जी महाराज की जय। पछे दरबार बीकानेर दरबार पाछा आया जोधपुर में ठहरिया
उन टाइम महाराज उमेश सिंह जी महाराज जीवता हा अठे रहा अठो हूं आपरा आदमी मेलिया रूणे छेरे मैं बहुत ही सुंदर मंदिर बनवायो बाबा रामदेव जी रो आज भी वो मौजूद है और जिन्ना लोग दर्शन करिया करे और दोनों तरफ दरवाजे में बढ़ते ही उन जगह शिला लेख लिखियो अंग्रेजी में एक हिंदी रे मैं कि जो कोई आए पतो लागे कि वो मंदिर कौन बनवायो बोलो रामा पीर की जय आप भाइयों बाबा रामदेव जी महाराज री आरती सुनो जय अजमल लाला हो प्रभु जय अजमल लाला हो प्रभु जय अजमल लाला भक्त काज कल युग में भक्त काज कल युग में लीनो अवतारा ओम जय अजमल लाला बत जाजि तिराई भैरुदयत मारा हो प्रभु भैरुदयत मारा कृष्ण कला भय भंजन कृष्ण कला भय भंजन राम रणु देवाला ओम जय अजमल लाला अशुवन सवारी सोवे केसरिया जामा हो प्रभु केसरिया जामा तुरे शीस खजारी तुरिया शीस खजारी हाथ लिए भाला ओम जय अजमल लाला अंधन को प्रभु नेत्र देत हो सुख संपत्ति माया हो प्रभु सुख संपत्ति माया कानन कुंडल झिल मिल कानन कुंडल झिल मिल गल पुष्पन माला ओम जय अजमल लाला आरती राम देव जी की नर नारी गावे कटे पाप जन्म जन्म के मुक्ति पद पावे ओम जय अजमल लाला।